नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज का विशेष कार्यक्रम न्यू इंडिया यंग इंडिया। मैं हूं तेजपाल नेवी। मित्रों, आज हमने अपने साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा को जो हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में रह के माया नगरी मुंबई में अपनी धाक जमा रहे हैं, वहां अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लकी कमांडो फिल्म्स के प्रोड्यूसर लकी बिष्ट जी की। लकी बिष्ट एक ऐसा नाम है जो पिछले 4 या 5 साल के अंदर अचानक हल्द्वानी में उभरा और उसके बाद मुंबई में उसकी धमक सुनाई पड़ी। तो मिलते हैं आज के हमारे मेहमान लकी बिष्ट जी से। लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यंग इंडिया न्यू इंडिया कार्यक्रम में। थैंक यू सर। लकी जी, ये जो आपका जो सफ़र है, एक बिल्कुल साधारण से फौजी से शुरू हुआ और होते होते आज आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं और बड़ी फिल्मों का प्रमोशन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सफ़र कैसा रहा? ये पिछले 5-7 साल जो है कैसे रहे? सर, मैंने 2015 से इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया जी। तो मैं ये चाहता था कि जो भी मेरे अंदर के जो विचार हैं मैं दुनिया के सामने लेके आऊँ सर। टेलीविज़न मुझे इसके लिए मतलब सबसे बढ़िया लगा, टेलीविज़न का माध्यम है ना सर। तो इंडस्ट्री में मैं एज ए प्रोड्यूसर और एज ए राइटर काम कर रहा हूँ। कुछ एक शॉर्ट मूवीज़ मैंने अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए तैयार करी हैं और वेब सीरीज़ वगैरह, म्यूज़िक वीडियोज़, एल्बम, और अभी एक बड़ी मूवी विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी के रिसर्च में, पिछले 1 साल से रिसर्च में हूँ मैं और उम्मीद है कि ये पिक्चर 2022 तक हिंदुस्तान में लॉन्च हो जाएगी सर। अच्छा। इसके अलावा इस मूवी को हम लोग फ्रांस और जर्मनी के अंदर भी रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये गब्बर सिंह नेगी हमारे महानायक हैं भारत के, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया पहले। आपको ये विचार कहाँ से आया कि गब्बर सिंह नेगी को लेकर विक्टोरिया क्रॉस बनाया जाए? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं आर्मी के अंदर था तो मैंने कई बार इनके बारे में पढ़ा, गब्बर सिंह नेगी के बारे में। तो अभी इंडिया के अंदर जो भी सर देखिए, जो भी मूवी आई है, चाहे पलोसी ले लो, चाहे बॉर्डर ले लो, चाहे अभी उरी ले लो, तो गब्बर सिंह नेगी एक्चुअली क्या थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया के अंदर इनसे बड़ा हीरो कोई नहीं हुआ। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले थे सर, जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे छोटी उम्र के अंदर, सिर्फ 19 साल 3 महीने के अंदर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेंट अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा, और जिनके स्टैचू सर ब्रिटेन फ्रांस के अंदर लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा सर उनके बारे में सारी दुनिया को पता चले कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे युवा जिन्होंने मतलब 19 साल 3 महीने में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर एक इतिहास रचा है सर। तो ये जो फिल्म आप बनाना चाह रहे हैं गब्बर सिंह नेगी जी, इस फिल्म की प्रोग्रेस क्या है, अभी तक कहाँ पहुँचा है? सर, इसके सारे राइट्स 3 अक्टूबर 2018 को मैंने सारे राइट्स परचेस कर लिए हैं जी। इसके नाम वगैरह विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी, वीसी गब्बर सिंह नेगी, शहीद गब्बर सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी शहीद, सारे नाम इम्पा से मेरे नाम पर रजिस्टर हो चुके हैं। इसकी स्टोरी कम्प्लीट हो चुकी है सर जी, और इसकी स्क्रीन प्ले में काम चल रहा है अभी, और इसका रिसर्च अभी मैं जस्ट रिसर्च ही कर रहा हूँ इसका, पिछले साल भर से इस मूवी का रिसर्च चल रहा है क्योंकि वॉर मूवी है, वॉर मूवी अभी तक इंडिया में आई नहीं है सर। अगर आप कोई भी मूवी देखो, चाहे LOC, बॉर्डर, लेकिन वॉर मूवी जिसे हम वॉर मूवी कहेंगे, अभी तक वॉर मूवी कोई भी नहीं आई है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वॉर मूवी है पूरी की पूरी जी। तो इसके अंदर इस मूवी में हम लोग 75% तो वॉर ही होगा सर, 25% गब्बर सिंह नेगी की लाइफ होगी जी, कि उनकी मतलब जीवन कैसे बीता उनका जी, उसके बारे में हम बताएंगे। और गब्बर सिंह नेगी वो थे सर जो अपनी शादी की हिंदू रीति रिवाज में, जो अपनी शादी का 5वां फेरा छोड़ के, अपनी शादी छोड़ के युद्ध में गए हैं सर जी। हमारे मतलब हिंदुस्तान की धरती में एक ऐसे भी युवा हुए हैं जिन्होंने मतलब अपनी शादी को इतनी अहमियत नहीं दी और देश के लिए युद्ध करने के लिए फ्रांस चले गए और अपनी होने वाली बीवी से वादा कर गए कि मैं युद्ध से जब वापस लौटूंगा तब हम शादी कर लेंगे। लेकिन सर 21 अप्रैल 1915 के अंदर वो शहीद हो गए फ्रांस में जी। तो दूसरी बात, जो उनकी होने वाली बीवी थी उन्होंने भी ज़िंदगी में दूसरा विवाह नहीं किया सर, 90 साल तक उनकी विधवा बनकर जिंदा रही। ये हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी भी लड़की थी जिसकी शादी की 5वें फेरे में उनका पति चला गया, उन्हें ज़िंदगी में दूसरा विवाह किया ही नहीं। बहुत अच्छी कहानी पे आप मूवी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसका शूटिंग शेड्यूल आपने कोई तय किया है? सर वॉर मूवी है, अभी एक्चुअली क्या है इसके, हमारे को अगर हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के टीरी में भी हम लोग शूट करें उनकी जीवनी जी, जो उनका मतलब लाइफ जो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और दूसरी चीज़, जितना भी वॉर हुआ, वॉर तो फ्रांस में हुआ सर, तो हमारे को फ्रांस की लोकेशन में ही
वो करना मूवी शूट करना पड़ेगा। और ये मूवी हम सिर्फ इंडिया की नहीं बोल सकते सर, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंक्लूड थी, क्योंकि 1915 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इंडिया के अंदर था सर। और इस मूवी के अंदर हम लोग जर्मनी को भी दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जर्मनी ने फ्रांस में अटैक कर दिया था, वो इंडिया के अंदर एंटर हो रहा था, तो उसको फ्रांस में रोकने के लिए जो उस टाइम इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती थी, वो फ्रांस में गई थी सर इस युद्ध में, जिसमें हमारे कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। तो गब्बर सिंह नेगी सिर्फ वो थे जिन्हें दुनिया के सबसे छोटी उम्र में और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंडी अवार्ड मिला है सर। बिल्कुल। अच्छा लकी जी, ये जो आप फिल्म का एक थोड़ा बहुत पार्ट जो है, जो आप टिहरी में फिल्म आने की बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली इस सवाल के पीछे मेरा मकसद ये था कि क्या हमारे यहाँ शूटिंग के लिए सरकारी स्तर पे सुविधाएं फिल्म वालों को मिल रही हैं? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, असली ज़मीनी हकीकत क्या है? आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है, देखिए जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी जी, हर स्टेट चाहती है सर कि उसकी प्रतिभा, उसका टैलेंट आगे तक निकले, लेकिन जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी टैलेंट आगे निकल ही नहीं पाएगा सर। अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं किसी और स्टेट में जाऊंगा शूट करने के लिए, क्योंकि कोई भी एज ए प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो सर, या मेरे भी फाइनेंसर हैं तो मुझे भी अपने फाइनेंसरों का बचत देखते हुए, उनका पैसा देखते हुए उन्हें रिटर्न करना है। अगर दूसरा स्टेट मुझे, हर स्टेट, अगर यूपी गवर्नमेंट मुझे अभी भी 40% की सब्सिडी दे रही है, हिमाचल गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है, यहाँ जाकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस टाइम 75% की सब्सिडी दे रही है, अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किसी भी बॉलीवुड की मूवी को सब्सिडी नहीं दी है सर। अगर उत्तराखंड की गवर्नमेंट अगर सब्सिडी नहीं देगी तो कैसे वर्क करेंगे सर? अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट भी चाहेगी कि यहाँ के लोग आगे निकलें, तो यहाँ के लोग तो तभी आगे निकलेंगे जब यहाँ की गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी सर। यहाँ की गवर्नमेंट शर्त रख ले कि उत्तराखंड के तुम्हारे को इतने आर्टिस्ट उत्तराखंड के लेने पड़ेंगे, इतने टाइम तक तुम उत्तराखंड में शूट करोगे, वो सारी उनकी एक शर्त होनी चाहिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक उत्तराखंड गवर्नमेंट पहल नहीं करेगी तो फिर तो मुश्किल है सर, तब तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किसी भी बॉलीवुड की मूवी को सब्सिडी नहीं दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी मेरे ख्याल से 7 या 8 महीने पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस को यहाँ आमंत्रित करने के लिए हम बहुत सी स्कीमें शुरू करने जा रहे हैं। कोई स्कीम जमीन पे नहीं है? नहीं सर, पहले कहने को तो 2002 से ही चल रहा है ना सर जी, 2002 से चल रहा है कि हम उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सब्सिडी देंगे, लेकिन आप मुझे बॉलीवुड की एक भी मूवी दिखा दो ना इसमें सब्सिडी दी है सर। आप देखिए अभी आज के टाइम में सर साउथ कितना आगे जा रहे हैं, आप साउथ को कंपेरिजन कर सकते हैं बॉलीवुड के उसमें, है ना, वहाँ की मूवीज़ को, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सर। आप अभी बिहार के अंदर ही देख लो, भोजपुरी मूवी के अंदर भी सर 80% की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। अभी उत्तराखंड की मूवी में आदमी कैसे बनाएगा जब तक उनका पैसा रिकवर नहीं होगा? कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, जब तक उसका पैसा रिकवर नहीं होगा वो कैसे बनाएगा? जब तक यहाँ की गवर्नमेंट पहल नहीं करेगी। लकी जी, इसके अलावा एक तो फिल्म लाइन हुई और एक है फिल्म का मूड जो थिएटर जिसे कहते हैं, क्या स्थिति है उत्तराखंड में थिएटर की? सर उत्तराखंड में एक्चुअली देखिए, थिएटर्स नैनीताल में एक थिएटर है जहाँ पर प्ले वगैरह चलते हैं, मैं थिएटर में गया था अभी, एक ऑडिशन लेने भी हम लोग थिएटर में गए थे अभी, एक जार पिक्चर्स हाउस एक मूवी बना रहे बच्चों के ऊपर, तो ये अच्छी बात है कि उसमें 60% आर्टिस्ट हमारे उत्तराखंड से हैं, यहाँ तक कि जो उसमें मेन बच्चा जो आ रहा है वो भी उत्तराखंड से लिया है। अच्छा, जार प्रोडक्शन हाउस बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इसने कई मूवीज़ बनाई है बॉलीवुड की, चाहे गैंगो वाशीपुर वगैरह, चिल्लर पार्टी, तो इसकी शूट अभी मुंशारी में चल रही है। इस पिक्चर के अंदर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं है सर, जबकि वो 100% शूट मुंशारी में कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों की 100% शूट पिक्चर उत्तराखंड में शूट हो रही है बट सब्सिडी कुछ नहीं है। ये शायद दुर्भाग्य भी है कि हमारे यहाँ से थिएटर आर्टिस्ट भी निकल के गए, मूवी में बड़ा नाम किया, लेकिन शायद वो अपने पीछे उत्तराखंड का मूल नहीं जोड़ पाते सारी वजह भी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी तो क्या सपोर्ट किया? अभी आप उत्तराखंड यहाँ थिएटर चले जाओ नैनीताल थिएटर में, मैं नैनीताल थिएटर में गया, नैनीताल थिएटर में ऊपर से छत भी नहीं है सर। अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, वो रिहर्सल कर रहा हूँ, धूप आ रही है, छाया आ रही है, हवा आ रही है, उससे बचने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। अब नैनीताल के अंदर जब थिएटर का ये हाल है सर, तो आप हल्द्वानी के अंदर और अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स में देख लीजिए। जब तक मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, अब लड़का ये तो नहीं है ना सर कि आप बच्चे को स्कूल ना पढ़ाओ, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन दे दो। अब पिथौरागढ़ के अंदर चाहे टीडी के अंदर कितना भी टैलेंट हो बच्चे को, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन मुझे रियल में जब पता चलेगा ना सर, जब मैं किसी टैलेंटेड लड़के के सामने खड़ा हूँगा तब मुझे मेरी कमियाँ पता चल जाएगी। जब तक कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, अब मैं बिना तैयारी करते हुए सर मुंबई तक तो जा नहीं सकता कोई बच्चा, वहाँ रहेगा कैसे? अब अरे मुंबई के अंदर रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अब जब तक उसकी यहीं से पूरी तैयारी नहीं होगी, एक बच्चा यहाँ से कैसे जाएगा आगे तक?
अच्छा, ऐसे में जब सरकार हाथ खड़े कर देती है तो लोकल अपने स्टार्टअप पे लोगों की मदद के लिए, कलाकारों की मदद के लिए सामने आते हैं। आपने लकी प्रोडक्शन आपका चल रहा है, यहाँ के कितने कलाकारों को आप अभी तक आगे ले जा चुके हैं? सर, मैंने अभी जस्ट एक यहाँ तक कि मैंने अभी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एक शॉर्ट मूवी बनाई है ड्रग्स के ऊपर कि नशा किस तरह से मतलब दुनिया को बर्बाद कर रहा है। तो मैं चाहता था इस पिक्चर की शूटिंग सर मुंबई भी कर सकता था, मैं मुंबई कर सकता था, पूना कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इस मुंबई के जितने भी डायरेक्टर राइटर्स वगैरह सबको मुंबई से यहाँ बुलवाया हल्द्वानी में, ताकि सिर्फ यहाँ के लोगों को आगे काम करने का मौका मिले। और मैंने अपने इस मूवी के अंदर कम से कम 70-80 बच्चों को काम दिया है सर इसी हल्द्वानी में। अच्छा, अब मुझे देखे ना, मैं मुंबई से यहाँ तक आया, मुझे सर कितना खर्चा, मेरा प्रोडक्शन को कितना खर्चा पड़ा कि मुंबई से मेरी टीम यहाँ आ रही है, जबकि मुझे एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट मुंबई में मिल सकते हैं, यहाँ एज ए मुझे इतने प्रोफेशनल नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जो काम मैं मुंबई में एक दिन में कर सकता हूँ, उस काम को करने के लिए मुझे यहाँ 5 दिन लग गए, है ना सर। मुझे यहाँ ऑडिशन में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अगर मुंबई में मुझे एक ऑडिशन के अंदर अगर 10 बच्चों की ज़रूरत हो तो मुंबई में मुझे 1000 बच्चे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ 70 बच्चे इकट्ठे करने के लिए, मतलब 70 आर्टिस्ट इकट्ठे करने के लिए मुझे यहाँ 5 दिन लग गए। अब मुझे 5 दिन का प्रोडक्शन का खर्चा कौन देगा ना सर? 5 दिन से मेरे डायरेक्टर्स, मेरी पूरी टीम होटल में यहाँ स्टे करी हुई है, उनको तो मुझे पेमेंट करना है। अगर मुझे जब मतलब 70 आर्टिस्ट को इकट्ठे करने के लिए 5 दिन लगे, है ना, तो मुझे लगा सर कि मैंने गलत किया एक बार तो स्टेप आगे, कि मेरी पूरी मतलब जो बजट, मतलब जो शूट मेरा एक दिन में हो सकता था, मुझे उसके लिए 5 दिन डिले करना पड़ा, उसका सारा लोड मेरे प्रोडक्शन हाउस पर पड़ा है सर। उसके बाद भी मैंने एक वेब सीरीज़ का सोचा, लेकिन फिर पहले प्रोडक्ट को देखते हुए मैंने अपनी पूरी वेब सीरीज़ मुंबई में शूट करी सर, फिर मैं उत्तराखंड में नहीं आया। और मैंने अभी जस्ट एक ओ माया हॉलीवुड की एक मूवी ओ माया है जिसमें मेरे शेयर्स हैं कुछ, ओ माया की भी शूट मुंबई, क्या कहते हैं, दिल्ली यूपी के अंदर हुआ, लेकिन मैंने कोशिश करी कि ओ माया की भी शूट सर हल्द्वानी के अंदर हो, है ना। और हल्द्वानी में हमने कम से कम 20-25 दिन शूट करी ओ माया की भी। अच्छा, और अभी जो बच्चों की जो मूवी बन रही है जार मूवी के थ्रू, वो मूवी मैंने उनको बोला सर उत्तराखंड जैसी लोकेशन आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी, आप स्विट्जरलैंड जाओगे इसका, चाहे उत्तराखंड में शूट करो, और अभी मुंशियारी में शूट कर रहे हैं वो लोग। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारे कलाकारों को एक नया मंच भी मिल रहा है इस बहाने। अच्छा, आपने वेब सीरीज़ बनाई, आपने शॉर्ट मूवीज़ बनाई, और एक और खबर है आपके बारे में कि आप संगीत में भी, संगीत की दुनिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ सर, और कुछ जगह पे आपने, मैंने अपने जितने भी इंटरनेशनल पोर्टल्स वगैरह हैं इनके साथ मैंने टाइप किया है सर। वो इसलिए किया क्योंकि मैं ये चाह रहा था सर कि अगर उत्तराखंड का कोई है सिंगर, मतलब जिसकी वॉइस में दम है, मतलब जो नहीं पहुंच पा रहा है मुंबई तक, और उसको लगता है यार कि मैं अच्छा गाता हूं करके, मतलब जो आदमी 10 साल तक उस प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंच पा रहा है सर, अगर उसके वॉइस में दम है तो मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उससे गाना गवा के, मूवीज़ के अंदर, म्यूज़िक के अंदर इंडिविजुअल उसका गाना गवा के उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सर किसी भी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करवा दूंगा सर। ये मेरी फर्स्ट रही है। तो मेरा अभी जो वेब सीरीज का जो अभी टाइटल सॉन्ग था सुपर लॉन्डेज का, वो मैंने किसी म्यूजिक कंपनी से नहीं, जबकि मेरे पास कई म्यूजिक कंपनी के भी ऑफर आए कि गाना हमें रिलीज कराओ, जैसे कि मैंने अपना पहला म्यूजिक वीडियोस जो एहसास किया था वो रेड रिबन से किया था। तो जब मुझे लगा कि यार मेरे गाना मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, पैसा मैंने लगाया, लेकिन सारे राइट्स रेड रिबन के पास चले गए, आज मुझे मेरा ही गाना लेने के लिए, अगर मैं चाह रहा हूँ यार मुझे मेरा ही गाना अगर मैं रेड रिबन से लेना चाहूँ तो मुझे 10-15 लाख रुपए उनको देने पड़ रहे हैं मुझे मेरी चीज़ के लिए। तो मुझे लगा यार कि चलो देर हो कोई बात नहीं, मैं सारे राइट्स अपने पास रखूँगा। तो जितने भी बड़े, चाहे जियो सावन, आइडिया, जितने भी बड़े म्यूज़िक कंपनी हैं, इनके साथ मैंने अपना टाइप किया सर। तो अपना खुद के ही अपने नाम से ही पहला टाइटल सॉन्ग मैंने लॉन्च किया जी। संगीत के क्षेत्र में बात हो गई, फिल्मों के क्षेत्र में बात हो गई, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि विक्टोरिया क्रॉस शहीद गब्बर सिंह के अलावा कोई और प्रोजेक्ट भी है आपका जो पाइपलाइन में हो? सर, जस्ट अभी एक मिसिंग 54 के ऊपर भी मैं लिख रहा हूँ जी। मिसिंग 54 एक्चुअली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब अभी नई जनरेशन को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा या जिन्होंने नहीं पढ़ा। एक्चुअली क्या हुआ था सर, जो 1971 का जो वॉर हुआ था, उस वॉर के अंदर सर जब हमने 93,000 सोल्जर को पाकिस्तान के शिमला समझौता के तहत छोड़ा प्रिजनर ऑफ वॉर, तो हमारे 54 सोल्जर जिसमें से 30 सर इंडियन आर्मी के थे, 23 एयरफोर्स के, एक नेवी के, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस वॉर के अंदर, जिनका आज तक इतिहास में आज तक कभी पता नहीं चला सर वो कहाँ गए करके,
मतलब उनके परिवार वाले, इंडिविजुअल उनके परिवार वाले सर, जिन्होंने रेड क्रॉस, नेशनल वुमेन राइट्स को, सुप्रीम कोर्ट को अपील करी कि हमारे मतलब जितने भी घर वाले हैं जो इस वॉर के अंदर जो सोल्जर, जो ऑफिसर्स जो गायब हुए हैं, उनको अपने देश वापस लाया जाए करके। आज भी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें वापस नहीं ला पाई सर, जिन्होंने अपने मतलब जिस देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो आज तक हमारे हिंदुस्तान में कभी वापस नहीं आए। अब आप ये सोचो ना सर, किसी के परिवार को मतलब, या तो कोई आदमी, अगर किसी आदमी कोई शहीद हो गया तो उनके परिवार को एक वो तो रहता है कि यार शहीद हुए हैं करके, जिनका आज तक ही नहीं पता चला हो किस हालात में है, उनके साथ क्या हुआ। मतलब उन 54 सोल्जर्स को आज तक इंडियन गवर्नमेंट क्यों वापस नहीं ला पाई सर पाकिस्तान से, तो उसके ऊपर भी मैं मिसिंग 54 लिख रहा हूँ सर। मेरे ख्याल से आपने मुझे दो बड़े प्रोजेक्ट बताए अपने, और दोनों ही सैनिक पृष्ठभूमि से हैं। तो आपका इंटरेस्ट मुझे लगता है शायद आप भी सैनिक पृष्ठभूमि से रहे हैं, तो इसलिए शायद आप देशभक्ति के प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं। नहीं सर, एक्चुअली देखिए, मतलब इस दुनिया को पता होना चाहिए ना सर, मतलब इस दुनिया के लोग, मतलब हमारे हिंदुस्तान को क्या, सारी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि एक मतलब सोल्जर की फैमिली या उसके परिवार वाले कितने मतलब डिफ़िकल्ट फेस करते हैं सर। अगर आप ये लगाइए कि यार हमारे घर का ही कोई बच्चा अगर 10 दिन के लिए गायब हो जाए तो हमें नींद नहीं आती सर, हम पूरा शहर सर में उठा लेते हैं। लेकिन जिनका सर 71 से लेकर आज तक जिनका पता ही नहीं है कि उनके घर वाले कहाँ गए करके, और मतलब इस देश के लिए गए हैं ना सर, कोई अपने इंडिविजुअल तो नहीं गए है ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गए वॉर में जाना पड़ेगा सर, वो हमारी जिम्मेदारी, वो उनकी, वो हम मतलब एक सोल्जर की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें वापस लाना तो इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर, वो हमारे भारत देश की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो मतलब उनके परिवार वालों ने सर कितनी कठिनाई सही, कितने दर्द सहे, इस दुनिया को पता चलना चाहिए सर। अच्छा, एक हम ये मानते हैं कि ये जो दौर चल रहा है ये सांस्कृतिक संक्रमण का दौर चल रहा है, यानी एक पीढ़ी की जो सांस्कृतिक विरासत है जब दूसरी पीढ़ी में जा रही है, और उसमें फिर यूरोपियन कल्चर भी बीच में आके मिक्स हो रहा है, तो एक संक्रमण का ये दौर है। अपने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी फैशन शोज, इस टाइप के और दूसरे कॉम्पिटिशन ये सामने आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं, आपको कैसा लगता है इस पर? नहीं नहीं सर, देखिए इवेंट्स वगैरह आजकल उत्तराखंड में इवेंट्स चल रहे हैं, नहीं कोई भी अगर कोई भी शो चल रहे हैं वो तब तक अच्छा है जब तक मतलब उससे आपको फ़ायदा हो रहा हो। मतलब दुनिया के अंदर कोई भी इवेंट्स, अगर कोई भी फैशन शो चल रहे हैं, अगर वो आपको कहीं पर पहुंचा रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से ही अगर आपके अंदर गलत चीज़ें आ रही हैं, आप गलत गाइडलाइन में जा रहे हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक हैं सर। अब उत्तराखंड के अंदर जगह जगह पर इवेंट्स हो रहे हैं, कोई जैसे मिस्टर उत्तराखंड हो गया या मिस्टर इंडिया हो गया, मिस कुमाऊं हो गया, ठीक है आप इवेंट्स हो रहे हैं सर, लेकिन एक बच्चा अगर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो बनता है कि मिस्टर उत्तराखंड बन गया या मिस उत्तराखंड बन गई सर, ना तो मेरे पास राइट्स हैं, मैं स्टेट का नाम उसके साथ दे ही नहीं सकता सर। मेरा LCF है, मैं मिस LCF बना सकता हूँ, मैं मिस्टर LCF बना सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं मिस्टर इंडिया बनाऊँ है ना सर, या मिस्टर उत्तराखंड बनाऊँ, या मिस्टर गढ़वाल बनाऊँ, मिस गढ़वाल बनाऊँ, ये मेरे राइट्स में है ही नहीं सर। तो सबसे पहले चीज़ तो ये फ्रॉड बंद होना चाहिए सर। दूसरा क्या सर, अगर एक बच्चा या एक बच्ची कल एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है जिसने ज़िंदगी में थिएटर नहीं देखा सर, है ना, वो एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो कल मिस इंडिया बन जाती है यहीं हल्द्वानी के अंदर, या मिस कुमाऊं बन जाती है, या मेरा जैसा, या कोई प्रोड्यूसर उसके पास जाता है ऑडिशन के लिए कि ठीक है आप एक मेरी मूवी के अंदर रोल करो, और जस्ट दो या एक डायलॉग है या नहीं है, या आपको क्राउड में रहना है, या आपका 5 सेकंड का रोल है, तो सर उसके अंदर एक सबसे बड़ी क्या है, उसके अंदर एक माइनस पॉइंट या गलत फहमी ये आ गई कि यार मैं तो मिस्टर कुमाऊं हूँ या मिस इंडिया हूँ, मैं क्यों एक रोल करूँगा, मैं छोटी हो जाऊँगी, है ना सर। अब मेरे को किसी ने मिस्टर उत्तराखंड बना दिया, और कोई आया यार बोले लगे सर यार आपको एक रोल करना है 1 सेकंड का रोल, मैं कहूँगा यार मैं तो मिस्टर उत्तराखंड हूँ, मुझे बना किसने दिया सर मिस्टर उत्तराखंड, या उसको किसने बना दिया मिस इंडिया। तो दोस्तों ये थे लकी बिष्ट जी, जो अपनी फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में है, और एक अपना प्रोडक्शन हाउस बना के हमारे यहाँ उत्तराखंड की प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान कर रहे हैं। अगले यंग इंडिया, न्यू इंडिया के अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ में आपसे भेंट होगी, तब तक नमस्कार। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाए, क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।